विद्यानाम धनम सर्वधन प्रधानम, अर्थात वेदों में वर्णित विद्या के इस सार कि विद्या रूपी धन मनुष्य के जीवन के सब प्रकार के धनों में सर्वश्रेष्ठ होता है और उस अमूल्य धन को प्राप्त करने तथा जीवन को मूल्यवान बनाने के लक्ष्य को सार्थक कर रहा है मयूर विहार फेस 2 स्थित यह बाल भवन विद्यालय, जो अपने आंचल के साये में देश का भविष्य कहे जाने वाले छात्रों को पिछले 49 वर्षों से शिक्षित कर रहा है। इस भव्य विद्यालय की आधारशिला का शिलान्यास 7 अगस्त सन 1967 में श्री जी सी लगन जी के शुभ कर कमलों द्वारा दिल्ली स्थित गांधीनगर के एक सूक्ष्म से क्षेत्र में किया गया था। इस महान कार्य के पीछे एक सत्य घटना यह भी है कि श्री जी सी लगन जी, जो स्वयं एक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे, उनके अपने ही पुत्र को जब चंद रुपयों के पीछे किसी विद्यालय में दाखिला नहीं मिला, तब अपने जीवन की इस बेहद असहनीय घटना से प्रेरित हो श्री जी सी लगन जी ने यह ठाना कि वे स्वयं एक ऐसे विद्यालय की रचना करेंगे जहां सभी बालकों को बिना किसी समस्या के विद्या प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो सके, क्योंकि उन्हें लगा कि न जाने समाज में ऐसे कितने माता पिता होंगे जो चाहकर भी अपने बच्चों के लिए विद्या के द्वार नहीं खोल पा रहे होंगे। बस अपने जीवन की इसी सत्य घटना से प्रेरित होकर उन्होंने शुरुआत कर डाली एक ऐसे विद्या वृक्ष की जिसकी शाखाएं आज पूरी दिल्ली में लहरा रही हैं। धन्य है वह व्यक्तित्व जिसने ऐसा महान कदम उठाया। 16 अगस्त 1934 को परतापुर गांव, जिला अलवर, राजस्थान, स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल जी एवं स्वर्गीय श्रीमती भगवती देवी जी के घर जन्मे श्री गोपीचंद जी। श्री जी सी लगन जी, जिनका स्वयं का तो जीवन इतना आसान न था, परंतु उन्होंने अपने शिक्षा के क्षेत्र में किए अनेकों प्रयासों से न जाने कितने ही छात्रों का जीवन सुगम्य तथा सरल बना दिया। आपके अथक तथा अविलंब प्रयास ने आज इस विद्यालय को जिस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है, वह किसी पहचान का मोहताज नहीं। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे अगर बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। अपने पिता के जीवन से इस आदर्श ध्येय को सीखते हुए बाल भवन के प्रधानाचार्य श्री बीबी गुप्ता जी ने अपने पिता को अपना सर्वे सर्वा माना और उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलने लगे। 22 वर्षों तक निरंतर अपने पिता को अविलंब कार्य करते देख श्री बीबी गुप्ता जी ने भी एक आदर्श पुत्र और एक कर्मठ सहकर्मी की तरह अपने पिता से जीवन में सीखा भी और उनका साथ भी निभाया। श्री बीबी गुप्ता जी के परिश्रमपूर्ण प्रयासों ने विद्यालय को नए आयाम दिए हैं। यह बाल भवन विद्यालय भव्य इमारत के रूप में प्रतिष्ठित है, जिसे अर्बन आर्ट कमीशन भारत सरकार द्वारा भी सम्मान प्राप्त हुआ है। इस विशाल तथा भव्य विद्यालय में ध्यान रखा गया है छात्रों की प्रत्येक शैक्षणिक आवश्यकताओं का, जिसके मद्देनजर अत्याधुनिक तथा नवीन तकनीकी पर आधारित कक्षाएं, छात्रों के मन मस्तिष्क में ज्ञान को भरता सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान तथा कंप्यूटर की आधुनिक उपकरणों से युक्त प्रयोगशालाएं जहां छात्र अपने विचारों को एक नया रूप देते हैं, विद्यालय को समय के साथ प्रत्येक स्तर से जोड़ते अनेकों क्लब, नन्नी मुन्नों की मासूमियत को कायम रखता उनका स्वप्न लोक, मैथ्स के कठिन प्रश्नों के जाल हो या भाषा के नए प्रयोग, उन्हें हल करने के लिए मैथ्स लैब और लैंग्वेज लैब, छात्रों को कला संस्कृति से जोड़ता तथा उनके नृत्य और अभिनय के गुणों को निखारता ओपन एयर थिएटर, डांस और म्यूजिक रूम, छात्रों की कलाओं को निखारता आर्ट एंड क्राफ्ट हॉल तथा खेल कूद की क्रियाओं के लिए नव निर्मित विशाल तथा आधुनिकता युक्त श्री जी सी लगन मेमोरियल स्पोर्ट्स स्टेडियम, जिसके भव्य उद्घाटन के लिए आज हम सभी यहां एकत्रित हुए हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि जिस व्यक्ति ने इस विद्यालय का आरंभ किया था, उसी महान व्यक्तित्व के प्रति इस भूमि का नामकरण कर हम अपनी कृतज्ञता अर्पित कर रहे हैं।
और उनके जीवन भर की इसी संघर्ष, उत्साह और लक्ष्य प्राप्ति की लगन ने ही उन्हें गोपीचंद गुप्ता से गोपीचंद लगन की उपाधि प्राप्त करवाई। श्री जीसी लगन जी ने सदैव अपने छात्रों के हित, समाज कल्याण के बारे में सोचा है और अपनी इसी विचारधारा को अंगीकृत करते हुए विद्यालय का आदर्श वाक्य गुडनेस बिफोर ग्रेटनेस अर्थात महानता से पहले अच्छाई का गुण, यह विद्यालय प्रतिदिन अपने छात्रों को सिखा रहा है। यह बाल भवन विद्यालय नित नवीन विचारधाराएं अपने विद्यार्थियों के जीवन में भर रहा है और तैयार कर रहा है उन्हें जीवन के प्रत्येक पक्ष, समाज की प्रत्येक परिस्थिति तथा राष्ट्र के हर रंग में ढलने के लिए। और यह संदेश दे रहा है, प्रयास करो, प्रयास करो, जब तक है सांस प्रयास करो, जब तक है आस प्रयास करो, ना हारो, ना रुको, ना थको, बढ़ो और जीतने का प्रयास करो। प्रयास करो, प्रयास करो, जब तक है सांस प्रयास करो, जब तक है आस प्रयास करो।